हाय डियर फ्रेंड, बायोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट जीरो फिथालमिया, जीरो भी बोल सकते हैं, जीरो भी फिथालमिया बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया ABCD, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ई है, ठीक है, ये ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वाई द वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो ऑप्शन ए है मार्च एट और रेगुलर पीस अपीयर यूनिफॉर्म डिफेंड द बॉडी डिसिप्लिन। तो करेक्ट ऑप्शन है जो है सी है डिफेंड द बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, हेपेटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर अ डिसीज डैट इज कॉज बाई वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट्स ऑल ऑफ द एबो। तो करेक्ट ऑप्शन है वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस जो होता है वो वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल नहीं है माल्टोज फ्रक्टोज ग्लाइकोज ग्लाइसिन। तो ऑप्शन इज द राइट टी, ऑप्शन इज द राइट ग्लाइसिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें करेक्टली मैच किसका नहीं है? हीमोग्लोबिन स्किन, विटामिन सी स्कर्वी, कार्बोहाइड्रेट पोटैटो, फैट बटर। तो करेक्ट ऑप्शन है ई हीमोग्लोबिन स्किन का, ठीक है, हीमोग्लोबिन स्किन का ये करेक्ट मैच नहीं है, बाकी सब मैच है। इससे भी याद कर लेना है कि विटामिन सी से स्कर्वी डिसीज होती है, कार्बोहाइड्रेट पोटैटो में मिलता है, फैट बटर में मिलता है, इस तरीके से ये पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। विच इज अ कम्युनिकेबल डिसीजेज, कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या है? अस्थमा, स्कर्वी, मिजल्स, डायबिटीज। तो क्वेश्चन नंबर जो सी है 6 है, उसका करेक्ट ऑप्शन है सी मिजल्स, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। टर्बुकुलोसिस लंग में, फिलेरिया लिम्फ नोड, इंसेफेलाइटिस हार्ट में, ल्यूकेमिया ब्लड सेल में, ठीक है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है सी है इंसेफेलाइटिस हार्ट, ठीक है, ये करेक्ट मैच नहीं है, बाकी सभी करेक्ट मैच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम? ग्राउंडनट, सोयाबीन, एप्पल, व्हीट। करेक्ट ऑप्शन इज द बी सोयाबीन, ठीक है, हाईएस्ट प्रोटीन होता है, पर ग्राम में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अल्फा कैरेटीन एज प्रोटीन। ब्लड, एग्स, स्किन, वूल। तो करेक्ट ऑप्शन इज द टी ऑप्शन वूल। एंड लास्ट क्वेश्चन है, मशरूम्स आर कैन बी मशरूम अ वैरायटी ऑफ फंगस, फ्लेजी फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द फंगस, ग्रोन इन स्मॉल सेड और प्लॉट ऑल ऑफ द एबो। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द एबो। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर नंबर जो 3 था ये भी बायोलॉजी का कंप्लीट हुआ। अभी लेक्चर नंबर 4 हम देखेंगे, तो आप कंटिन्यू देखते जाइए कि ताकि आपका बायोलॉजी से रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप तक जरूर पहुँचें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।